हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विज्ञापन कला। दोस्तों, इससे पहले भी हम विज्ञापन कला के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें विज्ञापन कला का के इंट्रोडक्शन और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा किए थे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हमारा वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर से ज़रूर देखिए, तब ताकि हमारा ये आगे का जो वीडियो है विज्ञापन कला से संबंधित वो आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के विज्ञापन के ऊपर मतभेद जो है वो बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विज्ञापन में चार तत्व होते हैं, वास्तु, उपभोक्ता, माध्यम और उद्देश्य। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, विज्ञापन में चार तत्व होते हैं, वास्तु, उपभोक्ता, माध्यम और उद्देश्य। यह कथन किसका है? तो दोस्तों, लीच ने इन चारों तत्वों को कहा है कि विज्ञापन में वास्तु, उपभोक्ता, माध्यम और उद्देश्य होता है। ये लीच ने कहा था। विज्ञापन प्रायः मुद्रण के रूप में किसी प्रस्ताव को लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करता है, जिससे कि वे उसके अनुसार कार्य करने को प्रेरित हो सके। यह कथन किसका है? दोस्तों, स्टार्च ने कहा है कि विज्ञापन प्रायः मुद्रण के रूप में किसी प्रस्ताव को लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करता है, जिससे कि वे उसके अनुसार कार्य करने को प्रेरित हो सके। नेक्स्ट है, विज्ञापन सतत मांग का सृजन करता है। दोस्तों, विज्ञापन सतत मांग का सृजन करता है, ये किसने कहा है? दोस्तों, तो वर्टन ने विज्ञापन को सतत मांग का सृजन कहा है। व्यवसाय के लिए विज्ञापन का वही महत्व है जो उद्योग में वाष्प शक्ति का है। दोस्तों, ये विलियम ग्लेडस्टोन ने कहा है कि व्यवसाय के लिए विज्ञापन का वही महत्व है जो उद्योग में वाष्प शक्ति का है। नेक्स्ट, विपणन प्रक्रिया वह स्थिति है, विपणन प्रक्रिया वह स्थिति है जिसमें वस्तुएं उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने में कार्यान्वित होती है। ये किसने कहा है दोस्तों? तो ये जो है राल्फ एस अलेक्जेंडर ने कहा है कि विपणन प्रक्रिया वह स्थिति है जिसमें वस्तुएं उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने में कार्यान्वित होती है। विज्ञापन मुद्रित रूप से विक्रय की कला है। दोस्तों, लास्कर ने कहा था विज्ञापन मुद्रित रूप से विक्रय की कला है। नेक्स्ट, मुद्रित विक्रय कला को विज्ञापन कहा है। तो दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है। विज्ञापन मुद्रित रूप से विक्रय की कला, ये लास्कर ने कहा है, और मुद्रित विक्रय कला को विज्ञापन कहा है। मुद्रित विक्रय कला को विज्ञापन किसने कहा है? तो वो कहा है जोहन ई कैंडी ने मुद्रित विक्रय को कला कहा है, और विज्ञापन मुद्रित रूप से विक्रय की कला है, ये लास्कर ने कहा है। तो दोस्तों, थोड़ा तो ध्यान दीजिएगा, लगभग ये सेम है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट, विपणन आज सिर्फ बेचने खरीदने की कला नहीं है। विपणन आज सिर्फ बेचने खरीदने की कला नहीं है, बल्कि इसमें उपभोक्ता को जानना, पहचानना और समझना प्रमुख है। ये किसने कहा है? तो दोस्तों, लेस्टर वंडरमैन ने कहा है कि विपणन आज सिर्फ बेचने खरीदने की कला नहीं है, बल्कि इसमें उपभोक्ता को जानना, पहचानना और समझना विशेष रूप से है, हो गया है। नेक्स्ट, वैध झूठ का दूसरा नाम विज्ञापन है। दोस्तों, वैध झूठ का दूसरा नाम विज्ञापन है, किसने कहा है? तो दोस्तों,
एच जी वेल्स ने वैध झूठ का दूसरा नाम विज्ञापन बताया है। एच जी वेल्स ने वैध झूठ का दूसरा नाम बताया है। तो दोस्तों, ये आज का हमारा आखिरी सवाल था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और हम विज्ञापन से संबंधित आगे भी बहुत सारी वीडियो और बहुत सारी जानकारी लेकर आने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।